Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. और माशाल्लाह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज हम लोग जो है वो उम्रा परफॉर्म करने जा रहे हैं, मदीना जा रहे हैं। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने जो है दोबारा मुझे बुलाया अपनी ज़िंदगी में रहते हुए ही। और बस वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुश नसीब लोग होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर अपने गुनाहों की बख्शिश की और बाकी भी बहुत सारी दुआएँ मांगते हैं। तो पहली बार मुझे याद है कि हम लोग 2017 में गए थे, 2017 में वो मेरा पहला उम्रा था और माशाल्लाह 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 से ये मेरा सेकेंड उम्रा है। और आज हम लोग उम्रा पे जा रहे हैं, आज हम लोग की फ़्लाइट है और बस अब लेट भी हो रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करूँगी, जो कि भी जो वहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ की हाज़िरी नहीं कर सकते, तो बस उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआएँ कि अल्लाह ताला सबको वहाँ पर बुलाए और अपने घर का जो है वो दीदार करवाए। तो अब मैं करने लगी हूँ पैकिंग, तो मैंने बोला पहले जल्दी से पैकिंग कर लेते हैं उसके बाद चलते हैं जी मक्का मदीना पे। सो हैप्पी। एक सूट रख दिया है कि मैं वहाँ पे होटल वगैरह पे पहनूँ। और ये रहा मेरा दूसरा अबाया, एक अबाया मैं पहन के जाऊँगी और हम लोग इतने ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जा रहे हैं। एक सूट है ये मेरा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, चार सूट मैंने लिए, एक मैंने अबाया लिया है और एक और अबाया मैं पहन के जाऊंगी। ये रही मेरी सारी मेडिसन्स, मैं एक ही बॉक्स में जो है ना सारी मेडिसन्स कर लेती हूँ, वो आ जाएंगी यहाँ पे। एक मैंने पेयर जो है वो सॉक्स का लिया हुआ है और ये मेरी सारी शैम्पू वगैरह मैं एक ही चीज़ में रख देती हूँ, सारे ये टूथपेस्ट वगैरह सब चीज़ें। और एक हम लोग जो है ना वो बाथरूम रोल रख देते हैं क्योंकि मोस्टली होटल्स में नहीं मिल रहा होता। इलेक्ट्रिक केटल रखेंगे एक, क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल की बहुत शदीद ज़रूरत होती है वहाँ पे। चाय का सामान मैंने रख दिया क्योंकि कुछ साशे हैं। एक मैंने बिस्किट्स रख दिए हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। और एक ये टी बैग। अच्छा, यहाँ का ना मैं कुछ स्नैक्स ले जाती हूँ क्योंकि फिर वहाँ पर भूख लग रही होती है ना, तो थोड़े से कुछ स्नैक्स होंगे। एक कंघी है, मैंने एक कंघी रख दी है। मैं ऐसा बैग ले लेती हूँ, आप लोगों को पता है कि क्रॉस बॉडी बैग जो है ना वहाँ पे वही चलते हैं, तो मैंने कुछ अपनी करेंसी भी करवा दी थी कन्वर्ट, तो हम लोग कुछ रियाल रखेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छा कन्वीनियंट लगा मुझे और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था। यहाँ पे मैंने अपना जो है ना वो पासपोर्ट और NIC वगैरह रख दी है, सब चीज़ें, ताकि हमें जाते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये इसमें बहुत अच्छा मुझे लगा कि इसमें जो है ना मेरी स्लिप पर भी आ जाती है आराम से। इससे मैंने फ़िलहाल जो है ना वो अपना एक कैप रखी हुई है और मुझे सर दर्द का बहुत ज़्यादा इशू है, तो मैं ये दो चीज़ें अपने पास हमेशा रखती हूँ। और ये मेरी पासपोर्ट की कॉपीज़ है, इसमें मेरा फ़ोन भी आ जाएगा आराम से। और मैंने जो है ना वो न्यू स्लिपर ले ली थी, तो मैं ये स्लिपर यहाँ से ही पहन के जाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे और किसी हील्स वगैरह की ज़रूरत होगी। ठीक है, और एक ये स्लिपर है, ये मैं जो है वो लेके जा रही हूँ अपने साथ। अब कर देते हैं बैग को बंद। ये हो गया है रेडी। अच्छा, माशाल्लाह से इमिग्रेशन हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ फ्लाइट के लिए, तो दुआ कीजिएगा कि सब खैरियत से रहे सफ़र। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
माशाल्लाह से बारिश हो रही है और इतनी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मक्का जाऊं और बारिश हो जाए अल्लाह के घर में, अल्लाह की रहमत देखने को मिले। और माशाल्लाह से बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्या बताऊँ मैं। दिल से मांगो यहाँ पे पूरा हो रहा है, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बारिश की ख्वाहिश थी, बारिश की ख्वाहिश भी पूरी हो गई आज, और अल्लाह की रहमत माशाल्लाह माशाल्लाह सबको ये दिन दिखाए और सबको हज और उमरे की इजाज़त करवाए। आमीन। यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और उसके लिए हम लोगों ने कुछ खाना वगैरह लिया, बाकी की नमाज़ें पढ़ी और उसके बाद फिर हम लोगों ने रेस्ट वगैरह किया, तो हम लोग कुछ बेटर फील कर रहे थे। और उसके बाद आप लोगों को मज़ीद मदीना वगैरह का सफ़र भी देखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड।